साथियों आज हम पढ़ेंगे सीटेट। सीटेट में पढ़ेंगे जिसमें वन एंड टू नंबर यानी कि दो मार्क आपके लिए इसमें मिलेंगे। तात्पर्य है यहाँ पर संख्या विभाजन का नियम। इसमें सीटेट में और प्लस टेट में यानी कि टेट ये दोनों परीक्षाओं में आपके लिए वन से दो नंबर मिल जाते हैं। ये दोनों में बहुत ही जरूरी, हर साल एक क्वेश्चन आता है बिल्कुल, तो इसमें से ये बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अच्छा हमारा है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें क्या है, दो नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, दो भागों में पूरी संख्या पद्धति हमारी हो जाएगी और जिसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस आप कॉपी बना लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी तरीके से कॉपी बना लेंगे, कॉपी बनाने के बाद में इसे मेंटेन कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो दो के विभाजन का नियम, देखिए दो के विभाजन के नियम के लिए मैं बता रहा हूं, कोई भी आप संख्या लीजिए जैसे 400 यानी कि 812 ले लीजिए, इसे हम दो से विभाज्य कर लेंगे, दो चौक 8 और दो छंग 12 कट गया। कोई भी संख्या ले लेंगे जो दो से कट जाएगी, बहुत सिंपल सी संख्या है, हम दो से विभाज्य कर लेते हैं और कट जाती है आराम से, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। दो तीन संख्याएं आप काट के देखिए, इन संख्याओं को आप काट लेना और काटने के बाद में इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सारी काट लेना। ओके, अब आप देखेंगे तीन के विभाजन का नियम, तीन के और नौ के विभाजन का बिल्कुल एक ही नियम है, यानी कि दोनों नियम बिल्कुल एक पर लागू होते हैं। इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ा दे रहा हूं जिससे आप सीख जाएंगे। यानी कि जितनी संख्या है, जैसे मान लीजिए मैं 400 300 यानी कि 11 ले रहा हूं, या 300 हमारा 17 ले रहा हूं, एक चार संख्या है हमारी 3117 ले रहा हूं, जोड़ देंगे 1 3 + 1 + 1 + 7 एक दो तीन चार संख्याएं हुई हैं, 4 1 5 7 5 12 चार से कट रहा है, 4 3 12 अर्थात यह संख्या 9 से विभाज्य है। अगर ये नहीं कटती तो ये विभाज्य नहीं हो पाती। तो इस तरीके से जैसे हम 512 ले लें, 13 ले लें, 626 ले लें, ये ले लें 800, ये ले लें, ये हम तीन सवाल मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, यहां प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से और इसे लगा के देखेंगे क्या ये कट रहे हैं। अगर ये कट रहे हैं तो वो संख्या 9 से और 3 से विभाज्य है, अगर वो नहीं कट रहे हैं तो ये विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में अगला नियम आता है हमारा 4 से विभाज्य, यानी कि आगे मैं आपके लिए 4 से विभाज्य वाला पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर हम लिखते हैं 4 से विभाजन का नियम, हम लिख रहे हैं कि जैसे जो भी संख्या, जैसे 484, अगर ये दो अंक, ये हमारे जो दोनों अंक हैं, यहां इकाई का अंक है, ये हमारा दहाई का अंक है, ये दोनों अंक हमारे अगर 4 से विभाज्य हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों अंकों को अगर हम, जैसे 484 है, इन दोनों अंकों को अगर हम 4 से विभाज्य कर देते हैं, 4 2 8 4 1 8, तो ये संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, अगर हम 1200 दे दें तो लास्ट में 2 जीरो है, फिर भी ये विभाज्य मानी जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, आप दोनों इकाई दहाई अंकों को कभी भी 4 से विभाज्य कर लें और आपकी ये नियम बन जाएगा। तो आप कम से कम ये सारे नियम कर लें। ये आप 4 सवाल प्रैक्टिस के लिए करें जिससे आपको यह सिद्ध होगा कि जो ऊपर वाला नियम बताया वो 4 सवाल हम निकाल के देख लेंगे, हमारा हो जाएगा। लास्ट में हम 5 के विभाज्य का नियम, इस नियम में कोई भी हम संख्या ले लेंगे, जैसे 525, ये संख्या हम 5 से डिवाइडेशन फैक्टर बन जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल नियम है हमारा 5 का और 2 का, ये दोनों नियम बहुत ही सरल हैं।
तो आधे हमारे यानी कि हमारी 10 है हमारी पूरी संख्या है। मैंने आपको 2 का पढ़ा दिया, 3 का पढ़ा दिया, 4 का पढ़ा दिया, अब उसके बाद में 5 का हो गया, 9 का, ये हमारी इतनी संख्या है पढ़ा दी। अब हमारी 5 शेष बची हैं, अगली वीडियो में पढ़ा देंगे, यानी कि 2 वीडियो में आपके 2 मार्क बिल्कुल कंप्लीट। एक अच्छी तरीके से आप नोट बनाएंगे और नोट बनाने के बाद में आपको 2 मार्क बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। सरल से सरल तरीके से मैंने बताया, दोबारा से रिवीजन करा दूंगा, बीच बीच में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए हल करने के लिए, जिससे आप अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं और यहां से हम अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा को क्रॉस कर सकते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ओके, तो हमारा ये सब कुछ यानी कि पढ़ाने की आपको उदाहरण अच्छा लगे तो एक बार आप थोड़ा ठीक है साथियों, जिन साथियों ने हमें यहां तक आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। धन्यवाद।